स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से हमारे इस चैनल दीपावली में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त हर्षिता और आज सबका सादर आमंत्रण करती हूं हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूं हमारे क्रिकेट, जो भारत का सबसे प्रसिद्ध खेल है, उसके विषय में, भारतीय क्रिकेट का दीवानापन। तो आप सबने भारत के नागरिकों के बीच देखा ही होगा, आज तक आपने लड़कों को ही क्रिकेट खेलते देखा होगा, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि भारत में अब लड़कियों की क्रिकेट टीम भी बन चुकी है। लड़कियों के बीच बढ़ते क्रिकेट के उत्साह को देखते हुए अब भारत में भी लड़कियों ने क्रिकेट के मैदान में अपना बल्ला जमाना आरंभ कर दिया है। उन्हीं में से एक महिला क्रिकेट, जिसका नाम शेफाली वर्मा है, उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका विनम्र अभिनंदन करती हूँ हमारे इस चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। उसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकॉन को तो ज़रूर से प्रेस करें, सो दैट जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत और जल्द से जल्द मिल सके। इनका पूरा नाम शेफाली वर्मा है, अन्य नाम से लोग इन्हें शेफाली के नाम से ही जानते हैं। प्रोफेशन से यह भारतीय क्रिकेटर है। इनका रुचि जो है वह है क्रिकेट खेलना। 28 जनवरी 2004 में इनका जन्म हुआ था और इनकी करंट एज है वह है 15 इयर्स। इनका बर्थ प्लेस रोहतक हरियाणा पंजाब है। नेशनलिटी से यह इंडियन है। कास्ट से यह हिंदू है और हॉबीज में इन्हें क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैरिटल स्टेटस की बात की जाए तो यह अनमैरिड है। इनके पिता का नाम संजीव वर्मा है। कि कौन है शेफाली वर्मा नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको इनके विषय में जानकारी दिए देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक महिला क्रिकेटर के रूप में पहचान बनाने वाली एक लड़की जो दाहिने हाथ की बल्लेबाज है। दाहिने हाथ से ही ऑफ स्पिन का भी कमाल दिखाती है। शेफाली वर्मा ने आज अपने हरियाणा का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि महिलाएं भी क्रिकेट जैसा खेल खेल सकती है। फिलहाल वह घरेलू क्रिकेट टीम हरियाणा की तरफ से खुद को एक महिला क्रिकेटर के रूप में प्रस्तुत करती हैं। आइए जानते हैं इनके आरंभिक जीवन के विषय में। एक धमाकेदार महिला बल्लेबाज का जन्म 28 जनवरी साल 2004 में हरियाणा के एक छोटे से रोहतक जिले में हुआ था। शेफाली वर्मा के पिता को आरंभ से ही क्रिकेट में दिलचस्पी रही है। वह क्रिकेट खेला करते थे और इंटरनेशनल तौर पर खेलना भी चाहते थे, परंतु उनकी परिस्थितियों ने उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। जब उन्होंने अपनी बेटी के अंदर क्रिकेट के इस पागलपन को देखा तो उन्होंने भी अपनी बेटी को घर में ही ट्रेनिंग देना आरंभ कर दी। बाद में उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग का एहसास भी हुआ तो उन्होंने शेफाली को प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए कई सारी एकेडमी में एडमिशन दिलाने की कोशिश की, परंतु शेफाली एक लड़की थी तो लड़कों के साथ कैसे खेल सकती थी। समाज की इस छोटी सी भावना ने उसे किसी भी एकेडमी में एडमिशन कराने से रोक दिया, परंतु समाज की छोटी सी सोच के बावजूद भी शेफाली और उनके पिता अपने सपने को पूरा करने से नहीं रुके। शेफाली के पिता ने 9 साल की उम्र में ही उसके बाल कटवा दिए और उसे एक लड़के का रूप दे दिया। उसके बाद तुरंत ही एक प्रोफेशनल एकेडमी में शेफाली का दाखिला हो गया और उसने प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट की ट्रेनिंग लेना आरंभ कर दी। आपको बता दें कि कई सालों तक बनी रही यह टॉम बॉय। वह काफी सालों तक टॉम बॉय की शेप में ही रहे, लेकिन बाद में जब भारत में महिला के इस भेदभाव को मिटाकर महिला क्रिकेट एकेडमी बनाई गई, तब शेफाली ने एक महिला एकेडमी में दाखिला ले लिया। इसके बावजूद भी शेफाली के पिता के रिश्तेदारों ने लड़की को क्रिकेट सिखाने पर बहुत सारी आलोचनात्मक टिप्पणियां की, जिसके बाद भी संजीव नहीं रुके और उन्होंने अपनी बेटी को संपूर्ण प्रयास करके एक शानदार महिला क्रिकेटर बना ही दिया। अपने बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उन्हें हरियाणा की घरेलू महिला क्रिकेट टीम में
दाखिला मिल गया। पहले उन्होंने अपने राज्य हरियाणा का नाम रोशन किया और बाद में उन्हें वुमेन मिनी आईपीएल 2020 के अंतर्गत अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिला। उस समय मिताली राज टीम की कप्तान थी। उस वेलोसिटी टीम में शेफाली को भी शामिल किया गया। अपने बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से वेलोसिटी की टीम इस टूर्नामेंट में फाइनल सेक्शन में पहुंच गई थी, लेकिन अपने भरसक प्रयास के बाद भी हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में खेलने वाली सुपरनोवा टीम के हाथों वेलोसिटी टीम को हरा दिया गया। लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत शेफाली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने में देर न लगी। साल 2019 में T20 सीरीज के अंतर्गत शेफाली को दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के खिलाफ मैच खेलने का मौका मिला, जब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मिताली राज ने T20 क्रिकेट से खुद को बाहर कर लिया। तब उसके बाद शेफाली को उस टीम में प्रवेश मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शेफाली ने अपना ताबड़तोड़ प्रदर्शन दिखाते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनकर अपने पिता का हर सपना पूरा किया। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टीम में सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर के तौर पर भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। या हम कह सकते हैं कि भारत में वह एक ऐसी दूसरी महिला है जो सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपना क्रिकेट प्रदर्शन दिखा चुकी हैं। इससे पहले सन 1978 में मात्र 14 साल की उम्र में गार्गी नाम की महिला ने यह रिकॉर्ड सबसे पहले अपने नाम पर बनाया था। वहीं यह रिकॉर्ड पुरुष क्रिकेट टीम में से सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज हुए, जिन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शेफाली ने अपने पहले मैच के दौरान कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिया, वह शून्य पर ही आउट हो गई। उसके बाद उस सीरीज के आने वाले दो मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिए गए, लेकिन चौथे मैच के दौरान तो शेफाली ने बेहतरीन और धमाकेदार प्रदर्शन से सबके दिल पर छा गई। उन्होंने उस मैच के दौरान 1 अक्टूबर 2019 को सूरत के मैदान में ओपनिंग करते हुए मात्र 33 गेंदों की बेहतरीन बल्लेबाजी में 5 चौके और 2 छक्कों की बेहतरीन पारी के साथ 46 रन बनाए। आइए जानते हैं शेफाली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। शेफाली आरंभ से ही अपने पिता और सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानती आई हैं। वे बड़े सपने देखने वाली एक ऐसी भारतीय क्रिकेटर महिला हैं जिन्होंने अपने सपनों की उड़ान पूरी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर में अपनी एक अलग जगह बना ली है। वे बहुत ज़्यादा मेहनती क्रिकेटर महिला हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने पिता का सपना पूरा कर दिखाया है। समाज और परिवार की आलोचनात्मक टिप्पणियों के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में हार मानना नहीं सीखा। भारत की महिलाओं ने हमेशा ही सबसे आगे निकल बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है कि भारत की महिलाएं किसी भी देश की महिलाओं से पीछे नहीं हैं। ऐसा ही कुछ बेहतरीन प्रदर्शन फिर से शेफाली ने क्रिकेट के मैदान पर दिखाया और अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से पूरे देश का नाम एक बार में फिर से रोशन कर दिखाया है। भारत की हर एक लड़की के लिए वह एक प्रेरणादायक नाम बन चुकी हैं। यदि आजकल की छोटी सी लड़कियां उनसे कुछ सीखना चाहें तो उनका जज्बा और साहस सीखने का प्रयास करें जो उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में ही कमाया है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो पूरी तरह समर्पित था शेफाली वर्मा के ऊपर। यह हमारे भारतीय टीम की बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाज है, वह भी महिला क्रिकेट टीम की। आपको आज का इनके विषय पर आधारित वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताएं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।